हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अर्चना का किचन में आपका स्वागत है। आज हम लिट्टी बनाएंगे और आलू टमाटर का चोखा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लिट्टी बनाने के लिए देखिए, सत्तू है मेरा। बिना लहसुन प्याज का भी लिट्टी बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए तो इसमें अब हम क्या लेने वाले हैं और सब आपको दिखाते हैं। मिर्ची बारीक काट लिए हैं, हरी वाली मिर्ची है। अदरक है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी बारीक काट लिए हैं। अब इसमें अजवाइन डालेंगे, क्रश करके अजवाइन डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। बहुत ही अच्छा लिट्टी बनता है। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो इसमें लहसुन काट के, बारीक बारीक काट के लहसुन भी डाल सकते हैं और प्याज भी। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ है। इसमें 2 आम का अचार डालेंगे और सरसों तेल डालेंगे। लिट्टी में सरसों तेल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब धनिया पत्ती डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने से क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा। अगर पानी नहीं डालेंगे तो 2 दिन तक आप इसको सफर के दौरान भी इसको ले जा सकते हैं, खराब नहीं होगा। इसीलिए सरसों तेल थोड़ा ज़्यादा दिए हैं, पानी का यूज एकदम नहीं करेंगे, इसी से मिक्स हो जाएगा। जूस ले लेंगे, नींबू का जूस लेंगे। 1 नींबू है मेरा, इसको निचोड़ लेंगे। देखिए इसको मिक्स कर लिए तो इसको साइड में रख देते हैं और अब आटा लगा लेते हैं। देखिए आटा ले लिए, इसमें अब नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि सत्तू में है, इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें भी डाले हैं। थोड़ा तेल डालेंगे, 4 चम्मच तेल डालें, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तेल डालेंगे तभी खस्ता लिट्टी बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। आटा सख्त लगाएंगे क्योंकि लिट्टी का है तो रोटी रोटी का आटा सॉफ्ट रहता है, ये लिट्टी के लिए थोड़ा हार्ड लगाएंगे उससे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं, एक साथ में पूरा पानी नहीं डालेंगे। इसको मसल मसल के अच्छे से आटा लगा लेंगे। आटा देखिए लगा लिए, इसको ढक देते हैं। कढ़ाई को चढ़ा दिए, गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसको गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल देंगे और गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे और तेल गरम होते रहेगा तब तक हम लिट्टी भर लेंगे। देखिए इतना बड़ा पेड़ा से थोड़ा बड़ा काटेंगे इसका लोई और इसको कटोरी की तरह शेप देंगे। इसका गड्ढा बना लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सत्तू डालेंगे। देखिए इस तरह से बना लिए, अब इसमें सत्तू डालेंगे 1-1 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसको हाथों से ऐसे दबा के भर हाथ से दबा देंगे अच्छे से इसको, और दोनों साइड इसका घुमा घुमा के मुंह बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा जो बच रहा है उसको काट लेंगे और वापस से आटा में मिला देंगे और इसको गोल बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा बन गया। इसी तरह से हम सारा सारा लिट्टी बना के आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बना लिए तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं हम। तेल मेरा गरम है, देखिए आटा आपको डाल के दिखाते हैं तो ऊपर आ रहा है, तो एक एक करके लिट्टी डाल देंगे इसमें। इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए एक एक करके इसको डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। एक बार में 4-4 ही फ्राई करेंगे। अब इसको दूसरे साइड से पलट लेंगे। देखिए अच्छे से पलट लिए, गैस का फ्लेम एकदम लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और इसको फ्राई होने देते हैं। अब इसको दूसरे साइड से भी पलट लेंगे, इसको पलटते रहेंगे नहीं तो एक तरफ से ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और खूब अच्छी बहुत ही अच्छा फूल के देखिए फूलने भी लगा है। और इसको फिर से अच्छे से फ्राई होने देते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है लिट्टी मेरा, देखिए फूल के देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम।
इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं लिट्टी को। जब तक मेरा लिट्टी फ्राई हो रहा है तब तक हम बैंगन का चोखा बना लेंगे। तो चलिए पहले उसका तैयारी कर लेते हैं। देखिए दो बैंगन है मेरा, इसको अच्छे से धो लिए, साफ कर लिए, तो बीच में इसका चीरा लगाएंगे। देखिए बैंगन एकदम फ्रेश है, इसको साइड में रख लेते हैं। और इसी तरह से दूसरा में भी लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने से क्या होगा, आसानी से छिलका निकल जाएगा इसका। इसको लगा दिए, एक स्टैंड रखें गैस के ऊपर और दोनों बैगन को रख देंगे। दोनों साइड से इसको पलट पलट के पका लेंगे। बहुत ही अच्छा बैगन का चोखा लगता है खाने में लिट्टी के साथ। जब तक मेरा बैगन पक रहा है तब तक लिट्टी को देख लेते हैं। लिट्टी भी फ्राई हो गया है तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिए, लिट्टी को निकाल लिए, तो इसको अब साइड में करेंगे। बैगन मेरा पक चुका है तो इसको निकाल लेते हैं और एक बर्तन में ठंडा पानी रखें, इसमें डाल देंगे इसको। ऐसा करने से तुरंत छिलका एकदम आसानी से निकल जाएगा। दोनों को रख दिया और अब दो टमाटर पकाएंगे। इसी तरह स्टैंड पे रख के इसको भी पका लेते हैं। इस पे रख के इसको पका लेंगे पलट पलट के। अब बैगन का छिलका निकाल लेंगे इसको। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, कितना आसानी से सारा छिलका निकल गया। तो इसी तरह से दूसरा बैगन का भी छिलका हम निकाल लेंगे। इसको रख देते हैं एक प्लेट में। देखिए इसी तरह से दूसरा भी निकाल लिए। देखिए बैगन टमाटर पक चुका है, तब इसको हम चोखा बना लेते हैं इसका। आप अगर लहसुन प्याज खा रहे हैं तो प्याज और लहसुन इसमें बारीक चॉप करके इसको डालें तो चोखा और अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी हम सावन में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज का ही बना के आपको दिखाएंगे, ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में। और इसको हाथों से ऐसे मसल मसल के पीच लेंगे। देखिए इसको अच्छे से पीस लिए हैं तो इसमें दो आलू भी डालेंगे, बॉयल आलू है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको भी मसल लेंगे अच्छे से, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और बारीक कटा हुआ मिर्ची और धनिया पत्ती भी डालेंगे। सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आलू बैंगन टमाटर का चोखा बनके मेरा तैयार है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। देखिए लिट्टी निकाल लिए हैं, अब इसमें साइड में चोखा ले लेंगे। आप एक बार जरूर बनाएं फ्रेंड, बिना लहसुन प्याज का भी टेस्ट करके देखें कितना अच्छा बनता है। देखिए फ्रेंड सर्व कर लिए, कितना अच्छा लग रहा है मेरा लिट्टी चोखा। बिना लहसुन प्याज का भी लिट्टी बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाएं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।